वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली बिल्कुल ठीक होंगे खुश और आबाद होंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे चले गए हैं स्कूल और चाय भी मेरी जो है ना अंदर बिल्कुल रेडी है पीने के लिए अब मैं कर रही हूँ हस्बैंड की वेट वो आएंगे तो हम साथ में ही जो है ना चाय पीएंगे किचन गार्डन में देखा तो टमाटर के पौधे में ना काफ़ी सारे फूल आए थे तो इन फूलों को ना आसानी से पॉलिनेशन में मदद मिल जाए इसके लिए मैं इसको ना हर सुबह उठ के ना फिर इसको हिलाती रहती हूँ पौधे को हिलाने से हर फूल फल में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है अंदर आके चाय वग़ैरह पी ली अलहमदिल्ला एयर फ्रेशनर पॉट का जो है ना मैंने स्विच ऑन कर दिया अब साथ ही साथ जो है ना बाकी गमलों की थोड़ी सी खिदमत करूं दो चार दिन से ना मैंने इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं भरा तो ये एकदम से ना इनकी मट्टी सूख गई थी सोचा इनमें पानी भर दूं और हमेशा हरे भरे रहेंगे अगर हम घर में कोई भी प्लांट्स या फिर कोई भी फ्लावर्स रखते हैं ना तो उनको देखभाल करना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छा तो मैं आई हूँ किचन में ये किचन में मैंने ना खिड़की के पास थोड़ी सी स्पेस है वहाँ पे मैंने रखे हैं ना ये गमले तो इन में मैंने जो है ना लहसुन की एक एक दो दो कलियां कलियाँ लगाई हैं मतलब जिसमें जितनी जगह थी उस हिसाब से तो मैंने सोचा लहसुन भी इसमें उगेगा और पत्ते भी काम आएंगे लहसुन के और सबसे बड़ी चीज़ इनमें जो है ना कोई भी कीड़ा वगैरह लगने से रुक जाएगा और लहसुन देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया ना एक हफ्ते में ही आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कश्मीरी वाजवान की जो एक फेमस डिश होती है रिश्ता आज घर में बना रही थी मैं सोचा आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूं और सबसे खास बात मैं इन रिश्तों को ना बहुत ही आसानी तरीके से बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैंने लिया है मटन और मटन जो है ना मैंने डेढ़ किलो लिया है इसमें से मैंने एक किलो बोन लेस लिया है बोटी बोटी रान में से और आधा किलो जो है ना बोन वाला मैं मंगाई हूँ जानबूझ के क्योंकि बोन से ना हम बहुत ही अच्छा सा मटन स्टॉक रेडी करेंगे और साथ ही मैंने लिया है डेढ़ सौ ग्राम जो चर्बी आती है ना बकरी की फैटी तो वो भी मैंने साथ में लिया है तो इसको हम चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे कीमा तो कीमा अगर मशीन है आपके पास कीमा बनाने की तो आप घर में बना सकते हैं आराम से कीमा नहीं तो जहाँ से आप मटन ले रही हैं ना वहाँ से आप जो है ना कीमा बनवा के लाएं तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कीमा मशीन का यूज़ सारा मटन जो है ना मैंने डाल दिया कीमा मशीन में और अब जो है ना मैं कीमा निकालना शुरू कर दूँगी पहले जब मुझे ये रिश्ते बनाने होते थे ना तो तब मेरे पास ना कीमा बनाने की मशीन नहीं थी और मेरे पास ना कम से कम चार से पाँच किलो वाला चॉपर था तो मैं उसी में ना दो दो चार चार पीस मटन डाल के उसको चॉप करती थी मतलब आ, कीमा जैसा तो नहीं बनता था लेकिन हाँ ईज़ली काफ़ी अच्छी तरह से चॉप हो जाता था अच्छा जी मटन को हमने ना इस टेक्चर में रखना है यहाँ पर अगर कीमा मशीन में आप कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से अब मैं रखूँगी इस कीमे को फ्रीज़र में क्योंकि हमें जो है ना रिश्ते बनाने के टाइम एकदम ठंडा टेम्पेचर इसका जो है ना मेंटेन कर लेना है हमने इस कीमे को सेमी फ्रोज़न कर लेना है तो यहाँ पे है ना मैं अब बाकी जो मटन स्टॉक वगैरह है ना उसको बनाना शुरू कर दूँगी गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है इस पर मैंने एक पैन रखा इसमें मैंने कम से कम तीन से चार गिलास पानी डाला है और अब जो मेरे पास बोन्स बची हुई थी ना वो सारी बोन्स मैं इसी में डाल दूंगी ताकि इसका ना हमें एक अच्छा सा मटन स्टॉक चाहिए होगा तो इस मटन स्टॉक में ना हमने कोई मसाले या नमक ऐड नहीं करना है बस एक सिंपल सा मटन स्टॉक हमें रेडी करना है साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे की फ्लेम को कर दिया ऑन इस पे रखा है मैंने कढ़ाई और इसमें सारा जो फ़ैट है ना वो डाल दिया है और इस फैट को हमने 10 से 12 मिनट के अंदर, अंदर अंदर मीडियम फ्लेम पे ही एक लिक्विड फॉर्म में रेडी कर लेना है तो अगर हम इसको कीमे के साथ ही करते हैं ना रेडी मिक्सर ग्राइ में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ये बिल्कुल एक आसान टिप्स है जिससे हमारे रिश्ते जो है ना बहुत ही मज़ेदार और स्पंजी बनेंगे बिल्कुल रिश्ता बनाने के साथ साथ जितने भी बर्तन गंदे हो रहे हैं ना मैं उनको साथ साथ धोती जा रही हूँ किसी बहन ने ना कमेंट किया था कि आपके किचन में इतने सारे ब्रेशज़ हैं तो आप क्या करती हैं देखिए मैंने अभी कीमा बनाया और उसके जितने भी ब्लेड्स हैं और उसकी जो जाली वाली देखिए सामने वाली जिसमें से निकलता है ना जाली में से ये कीमा बनके तो यहाँ पे ना स्पंज वगैरह नहीं पहुँचता ये ब्लॉक हुआ होता है तो ये ब्रश जो है ना वही ब्लॉकेज निकालने में बहुत काम आता है और जहाँ जहाँ हमारा स्पंज या हमारा स्क्रबर नहीं काम करता वहाँ ये ब्रशेस काम करते हैं तो इसलिए ना मैंने चार से पाँच किस्म के ब्रशेस रखे हैं घर में कुछ बर्तनों का हैं और कुछ गैस चूल्हे के हैं कुछ सिंक और का धोने के काम आता है अभी लास्ट जो मैंने किया था ना ब्लॉग अपलोड कुलचे वाला तो उसमें मुझे किसी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ यहीं पे सेटल्ड हूँ तो मुझे जो है ना फ़िश यहाँ पे कहाँ मिलेगी तो बहन अगर आप साउथ की साइड रहती हैं तो वहाँ पे आपको जी के टू सी आर पार्क बहुत नज़दीक पड़ेगा वहाँ पर ना बहुत बड़ा फ़िश मार्केट है और आप वहाँ से ना बिल्कुल ईज़ली फ़िश ले सकती हैं अच्छा तो आप जहाँ से भी फ़िश लेना आपने फ़िश वाले को इतना बोलना है कि मुझे रोहू फिश चाहिए रोहू फिश वही फिश होती है जो हम कश्मीर में खाते हैं ना उसको यहाँ पे रोहू बोलते हैं अब मैं करने लगी हूँ ये नल का साफ इसी ब्रश से ना मैं इसके सारे कोने कोने अंदर बाहर सारी जगह साफ कर लेती हूँ तो एकदम चमक जाता है तो ब्रश को मैं धो के ना फिर से रख दूंगी साइड में और फिर हमारे काम आएगा ये देखिए नल के को बिल्कुल साफ करके चमक रहा है ना साफ़ सफाई काम खत्म करने के बाद मैं आई हूँ इस फैट को चेक करने के लिए एक तरफ से जो है ना ये अच्छी तरह से पिघल गया है अब हम इसको स्टर करेंगे दूसरी तरफ और ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह से गले और इसका जो है ना ये घी वाले टेक्चर में ना निकल जाए सारा स्टॉक तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको और रखूँगी पाँच से छः मिनट के लिए बिल्कुल हमने इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे रखना है साथ ही साथ रिश्ता बनाने की रेसिपी में जो है ना हमें ये भी काम आएगा प्याज दो मीडियम साइज़ के प्याज को हमने ना स्लाइसिस में कट करके रख दिया है साइड में अब साथ ही मैं कर रही हूँ इसको चेक देखें जी बिल्कुल ब्राउन हो गया है ना कुछ इस तरह का ही कलर आना चाहिए उसके बाद जो है ना हमने एक छन्नी की मदद से इसको छान लेना है किसी स्टील के बर्तन में ही तो छानने के बाद जो है ना अब मैं इसको रख दूंगी साइड में जब तक कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर यहाँ पे मैं जो है ना मटन स्टॉक को चेक कर रही हूँ कि अच्छा सा स्टॉक निकल गया है कि नहीं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा और सिंपल सा मटन स्टॉक बिल्कुल बन के रेडी है मैं मटन स्टॉक को उसी छन्नी में छान रही हूँ जिसमें हमने फैट को पिघला के छाना था तो मैंने सोचा इसमें भी थोड़ा सा फ़ैट का तेल जैसा होगा ना तो इस मटन स्टॉक में बहुत ही मज़ेदार लगेगा अब मैं शुरू करूँगी प्याज़ को फ्राई करना प्याज़ को हमने जो है ना डार्क ब्राउन फ्राई कर लेना है रिश्तों में या फिर किसी भी वाजवान में स्पेशली प्रान यानि शैलेड को इस्तेमाल किया जाता है तो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं है इसलिए मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज़ को जो है ना चॉप करके रखा हुआ है और उसी को मैंने जो है ना ब्राउन किया इसका पेस्ट बना के मैं इस रिश्ते में इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो गए थे और ठंडे होने के बाद जो है ना मैंने इनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया एक थिक सा पेस्ट बनाने के लिए साथ में दो से तीन टेबल स्पून पानी भी डाला है ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बने दोनों बेटियां गई थी ट्यूशन पढ़ने के लिए और छोटी गुड़िया ना ट्यूशन से वापस आके सीधा ही किचन में आई बड़ी बिटिया ने तो बाहर से हाई किया छोटी गुड़िया आ रही है किचन में मिलने मैं कर रही हूँ उसके साथ हग और पुचियाँ वुचियाँ ले रही हूँ लेकिन उसने बोला मामा आपको ना फेस पे बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है तो इस वजह से टिश्यू पेपर लेके ना मेरा फेस वो क्लीन करने लगी तो फिर से मैंने उसको ना माथे पर चूमा इसलिए कि थैंक यू बोलने के लिए अच्छा तो यहाँ पे ना मैंने ग्राइंड कर लिया है प्याज़ को देखिए पेस्ट बना लिया है अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ डेढ़ घंटा हो चुका है और मटन कीमा जो है ना अच्छी तरह से सेमी फ्रोजन हो चुका है अब जो है ना मैं इसको करूँगी मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड क्योंकि हमने इसको सिर्फ दो मिनट के लिए ग्राइंड कर लेना है कीमा चाहे एक किलो हो या डेढ़ किलो वो हमने जो है ना तीन से चार बारी में ग्राइंड कर लेना है एक साथ डालेंगे तो ग्राइंड बिल्कुल नहीं होगा दो काली इलायची के ना सीड मैंने निकाले वो डाल रही हूँ और जो हमने चर्बी को मेल्ट किया था ना वो डाल रही हूँ इसमें आधा टेस्ट के मुताबिक फ़िलहाल मैं नमक डाल रही हूँ एक अंडा साथ में डाल रही हूँ अब इसको वापस जो है ना मैंने एक मिनट के लिए ग्रैंड कर लेना है ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बने मतलब एकदम टेक्सचर ये देखिए कुछ इस तरह से रहना चाहिए जिससे जो है ना हमारे रिश्ते बहुत ही मज़ेदार और स्पंजी बने ये देखिए इसका जो है ना एंड वाला टेक्स्चर जो है ना इतना रहना चाहिए मैं फिर से बोल रही हूँ कीमा जो है ना हमने एक साथ में ग्रैंड नहीं करना है यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा करके ही मतलब तीन हिस्सों में चार हिस्सों में ये देखें तो अब जो है ना हमारा कीमा बन के बिल्कुल रेडी है रिश्तों वाला कीमा अब मैं इसको जो है ना रिश्ते बनाना शुरू करूँगी बॉल्स गोल गोल बॉल्स बनाना शुरू कर दूँगी यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना हाथ में थोड़ा सा पानी लगाया उसके बाद जो है ना जैसे हम पेड़ा बना लेते हैं ना राउंड शेप देते हैं कुछ उस तरह से मैंने इसको बनाया इसी तरह से जो है ना मैं सारे ही रिश्ते बनाती चली गई मटन स्टॉक जो है ना मैंने उसको चूल्हे पे फिर से रखा था तो वो गर्म है इसी मटन स्टॉक में हमने जो है ना रिश्तों को बनाते जाना है और मटन स्टॉक के अंदर डालते जाना है अभी हमने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं बस हम रिश्तों को पहले बनाएंगे कंप्लीट करेंगे और एक से दो उबाल आने के बाद ही हम इसमें मसालों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे मैं सारे ही रिश्तों को ना एक बराबर ले रही हूँ और मतलब एक ही शेप में बना रही हूँ कम ज़्यादा छोटे बड़े नहीं बना रही बिल्कुल भी तो अगर ये भी ध्यान रखें कि मतलब हमें एक ही शेप में बनाना है रिश्ते को तो जितना भी आप कीमा हाथ में उठा रहे हैं ना तो एक अंदाजे से या एक स्पून रखें उस स्पून से आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमें हर बार में इतना ही कीमा उठाना है रिश्ता बनाना है तो मैं तो एक अंदाजे से ही सेम ही ले रही हूँ बराबर में ही ले रही हूँ तो यहाँ पर जो है ना मेरे बहुत ही अच्छे से रिश्ते बन गए हैं अच्छी सी शेप आई है अच्छा तो अब यहाँ पे ना मैंने रिश्ते वगैरह बनाना ख़त्म कर लिया है ऑलमोस्ट अब जो है ना मैं ये एंड वाला रिश्ता डाल रही हूँ इसमें जब तक कि इन रिश्तों में ना मटन स्टॉक में अच्छी तरह से उबाल नहीं आता तो तब तक मैं जो है ना इनमें कोई मसाला नहीं डालूंगी ये देखे उबाल आना जो है ना इसमें थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है यहाँ पे ना वसीम साहब और बेबूजी आ गए थे किचन में बेबूजी को बनाना था पास्ता दोनों बाप बेटे ना खेल रहे थे खैर कोई बात नहीं यहाँ पे मैं जो है ना खड़े मसाला डालना शुरू कर दी हूँ यहाँ पे मैंने दालचीनी के दो कलम लिए हैं और काली इलायची ली है चार आ, हरी इलायची ली है चार और साथ ही मैंने इसमें तेज़पत तीन पीस डाला है जायके के मुताबिक नमक फ़िलहाल तो मैंने एक टीस्पून डाला है हल्दी का मैंने यहाँ एक टीस्पून डाला कश्मीरी लाल मिर्च जो सिर्फ कलर के लिए वो मैंने दो टेबल स्पून डाली है साथ ही मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर का एक टी तो सबसे पहले मैंने सोचा इसको मिक्स कर दूँ और बाद में मैं और मसाले इसमें ना ऐड कर दूँगी तो तब तक जो है ना रिश्तों में अच्छा सा कलर जाएगा हल्दी का यहाँ पर मैंने ना दो से तीन पीस लौंग लिए हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं साथ ही मैं इसमें डाल रही हूं सौंफ पाउडर हाफ टी स्पून तो गरम मसाला डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून पाउडर यानी कि सूखा अदरक पाउडर मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून ढक के इसको ना 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे और यहाँ पे जो है ना अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने अनियन का पेस्ट बना के रखा था ना उसमें से दो से तीन टेबल स्पून भर के डालेंगे साथ ही डालेंगे देसी घी का एक टेबल स्पून भर के मटन मसाला मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक टी भर के तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया तो साथ ही मैंने लिया है ऑर्गेनिक फूड कलर रिश्तों का स्टॉक मैंने डाला इसमें दो चम्मच और उसी से मैंने ना ये ऑर्गेनिक फूड कलर को अच्छे से मिक्स किया सारा रिश्तों के अंदर डाल देंगे इससे ना बहुत ही अच्छा सा एक कलर आएगा रिश्तों में तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये जो प्रोसेस किया ना कलर वाला इसमें ये मैंने कम से कम पंद्रह मिनट पकाने के बाद किया है अच्छा तो साथ ही मैं यहाँ पे जो है ना नमक भी चेक कर रही हूँ तो नमक मुझे इसमें ना अभी के लिए ठीक लगा तो मैंने सोचा हमने इसको और 10-12 मिनट पकाना है तो ग्रेवी जो है ना हमारी थिक भी हो जाएगी साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैंने डाला है दो टीस्पून भर के तो ये आप पहले भी डाल सकते हैं और बीच में भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के 10 मिनट बाद जो है ना मैंने इसमें अब डाली हूँ कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हमने हाथों में ना मैश करना है अच्छी तरह से इससे ना अच्छी सी खुशबू भी आएगी हाथों पे मैश करने से अब करेंगे इस मेथी को मिक्स रिश्तों के साथ और बन के बिल्कुल रेडी हैं हमारी इजी वाले बहुत ही आसान वाले रिश्ते और बहुत ही मज़ेदार रिश्ते तो मेरा घर और किचन ऐसा लगता है ना कि पूरा वाजवान ही मेरे घर में बन गया है तो इतनी खुशबू आ रही है तो यहाँ ने मैंने इनको 10-15 मिनट ना ठंडा होने के लिए रख दिया था सोचा आप सब के साथ भी इसका जो रिश्ते का एक टेक्स्चर है शक्ल है तो पूरा जो है ना मैं आप सबको भी दिखाऊंगी ये दिखे इतने स्पंजी स्पंजी बने हैं ना बहुत ही स्पंजी और जूसी जूसी बने थे हमारे रिश्ते और बहुत मज़ेदार बने थे और ग्रेवी भी देखे कितनी मज़ेदार है और थिक थिक है रिश्तों के साथ साथ जो है ना मैंने यहाँ प्याज का अंचार भी बनाया था जो बहुत ही मज़ेदार बना था और चावल के साथ हमने दोनों ही चीज़ों को बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों का माओं का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे आबाद रखे हमेशा आमीन अगर कोई हमारी चैनल पे नया है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक अल्लाह हाफिज़